बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का ये वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली जो बात फ्रेंड्स, आज तो आप लोग बहुत ही खुश होंगे, बहुत दिनों के बाद में आज क्रिप्टो मार्केट आपने देखा होगा सुबह से रात से ही जो बिटकॉइन है वो 3300-3400 डॉलर से ऊपर उठना शुरू किया और 3800-3900 डॉलर के अराउंड चल रहा है। तो इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कि बिटकॉइन क्या उड़ने की तैयारी में है या फिर आखिर क्या है सच्चाई, और उसके बाद में क्या बुल रन आ गया, और या फिर बिटकॉइन 5000 डॉलर जाएगा या 3300 डॉलर फिर से आएगा। तो इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सारी चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, क्या बिटकॉइन उड़ने की तैयारी में है। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, बिटकॉइन हमेशा नीचे ऊपर होता है, और क्यों उठा, कोई भी मार्केट में कोई ऐसी बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज नहीं है कि इसकी वजह से बिटकॉइन 400-500 डॉलर ऊपर चला गया है। जी हाँ, ये एक, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कोई भी न्यूज नहीं है, मैं सिर्फ एक अपने ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। तो मार्केट में कोई भी न्यूज नहीं है, सिर्फ ये मैनिपुलेशन हो रही है। हो सकता है जो बड़े लोग हैं यहाँ पर वही लोग इसको ऊपर ले जा रहे हों, और उड़ने की तैयारी में है अभी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ऊपर बहुत ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि इस पर स्टेबल भी हो सकता है। अब दूसरे की बात कर लेते, आखिर क्या है सच्चाई। तो सच्चाई मुझे जो लगता है फ्रेंड्स कि वेल्स जो है 3300-3400 में जो बाई किया है उन्होंने बिटकॉइन, वो अपने बिटकॉइन को 3800-3900 या 3700 डॉलर पे सेल कर सकते हैं, और वहां से मार्केट हमें क्या देखने को मिल सकता है, अगेन नीचे आ सकती है। तो जो यही सच्चाई है, मार्केट में कोई भी पॉजिटिव इतनी बड़ी न्यूज नहीं आ गई है कि 400-500 डॉलर का बिटकॉइन ऊपर चला जाए एकदम से। जी हाँ, तो नॉर्मली चल रहा है मार्केट में, ऊपर चल रहा है, धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर उठ रही है, और पूरी की पूरी मार्केट ग्रीन है इस समय। और मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि 5-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन हो चुके थे, बहुत ही ज्यादा क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गई थी, इसकी वजह से उठना तो है ही है। अब फल उन्हीं को मिलता है जो लोग पेशेंस रखते हैं। मैं क्यों हमेशा कहता हूं कि अगर आपके अंदर क्रिप्टो में पेशेंस नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसी का फल है, अगर आपने पेशेंस रखा होगा, होल्ड किया होगा, तो आप देख सकते हैं क्रिप्टो मार्केट ऊपर गई है। अब यहां पर हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो लालच बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आप सेल कर दीजिएगा, एग्जिट कर लीजिए, और अगेन जब मार्केट डिप में आएगी, मुझे नहीं पता कब आएगी, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते नीचे जरूर आने के चांस हैं। उसका रीजन बहुत बड़ा है कि ये ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है, करेक्शन जरूर आता है, क्योंकि सब लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जिट कर लेना है मेरे हिसाब से, अगर आपके पास कोई भी ऑल्ट कॉइन है, और स्पेशली जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, वहां पर आपको लालच नहीं करना है कि ये कॉइन 10%, 15%, 20%, इवन 50% भी कॉइन बहुत सारे ऐसे हैं जो ऊपर जा चुके हैं। स्ट्रेटेजी को देखिए, स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग से बहुत बार बताया हूं, अभी लेटेस्ट में कोई सिग्नल या इस तरीके से मैंने नहीं बताया है, लेकिन स्ट्रेटेजी के बारे में ऑलरेडी जब टॉप के वीडियोस बनाता था, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 कॉइन, तो मैं बताता रहता था कि स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छा कॉइन है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ऊपर जाएगा, भले ही मार्केट क्रैश है तो नीचे आएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कॉइन है जो बहुत अच्छा हमें पंप देखने को मिल रहा है, 30%, 40%, 10%, 20% इस तरीके से। तो यहां पर अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप एग्जिट जरूर कर लीजिएगा, यह मेरा अपना विचार है, अगर आप मुझसे पूछते, आप मेरी राय लेते हैं तो। बाकी आप अपनी ट्रेड खुद से रिस्क से कीजिए, कैसे आपको कितना प्रॉफिट लेना और कब एग्जिट और एंट्री करना है। अब हम इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि क्या बिटकॉइन यहां से 5000 डॉलर जा सकता है या फिर 3300 डॉलर आ सकता है अगेन। तो फ्रेंड्स एक चीज तो आपने क्रिप्टो में अगर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल से अगर आप काम करते हैं तो एक चीज ये देखा होगा कि मार्केट जब ग्रीन होती है तो रेड भी होती है, वो चाहे 2 दिन लगे या 4 दिन लगे या 1 वीक लग सकता है या 10 दिन लग सकता है, लेकिन ऊपर जाती है तो नीचे जरूर आती है, क्योंकि करेक्शन होता है। और करेक्शन क्यों होता है, क्योंकि सब लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, कॉइन को सेल करते हैं, जब कॉइन सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक रेट डंप करता है और नीचे को आता है। तो यहां पर आपको भी एग्जिट कर लेना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर है अगर, और उसके बाद में आपको क्या करना है। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, 5000 डॉलर जो मुझे लगता है अभी नहीं जाने वाला है, क्योंकि ऐसी कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं आ चुकी है मार्केट में, यहां पर आपको स्टिल अभी वेट करना चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए सभी शॉर्ट टर्म ट्रेडर को। और अगेन मुझे जो लगता है कि 3300-3400 या 3000 डॉलर भी बिटकॉइन आ सकता है आने वाले टाइम में, 2-4, 10 दिनों में।
तो ये थे फ्रेंड्स कुछ मेरे ओपिनियन। आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन $5,000 जाएगा या 3,000 जाएगा या 0 हो जाएगा या $10,000 जाएगा? आप अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिए। तो यही थी फ्रेंड्स वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। और एक जरूरी बात फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट में दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सिग्नल भी मैं प्रोवाइड करता हूँ फ्री में। तो उसमें आप कुछ रिस्क लेकर के कुछ अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, जी हाँ। तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए आप। और अगर आगे हम बात करें यहाँ पर, तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में जरूर करिएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्द दूसरी अपडेट के साथ में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।